छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर किरणमयी पहली बार रायगढ़ पहुंची। उन्होंने यहां सबसे पहले सखी सेंटर और चक्रधर बाल सदन पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया और स्टाफ के अलावा बाल सदन की बालिकाओं से बातचीत कर व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं सर्किट हाउस में उन्होंने कहा, प्रभार ग्रहण करने के बाद लॉकडाउन के चलते जिलों में प्रकरणों की सुनवाई के लिए नहीं निकल पा रही थी। उन्होंने बताया, वर्तमान में प्रदेश भर में 582 प्रकरण लंबित पड़े हैं। कोरोना संकट के चलते ही प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। साथ ही कहा कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद उन्होंने जिलों का दौरा करना शुरू किया है और व्यवस्था की जानकारी ली जा रही है। देखिए, पहली बार रायगढ़ में ऑफिशियल रूप पर मैं आई और लॉकडाउन में महिला आयोग की अभी सुनवाई को स्पीड अप करने की मेरी कोशिश है, तो उस संबंध में अधिकारियों से बैठक भी लिया है, दो सेंटर्स का भी अवलोकन भी किया है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आगे महिला आयोग के जो लंबित मामले हैं उनका निराकरण मैं जैसे जल्दी कर सकूँ, ताकि जितने